सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे प्रेम से परिपूर्ण पुष्पगुच्छ। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पतला सा ब्रश, एक कप में पानी। वैसे तो कप चाय पीने के लिए यूज़ होता है, पर हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वाटर कलर। और अब मैं आपको एक एक करके कलर बताती जाऊँगी, आप मेरे साथ करते जाइए और अंत में एक प्यारा सा पुष्पगुच्छ पाइए। थोड़ा सा रेड कलर लीजिए, उसमें पानी मिलाइए और चला के देखिए एकदम लाइट लाइट हो ऐसे। तो बस गरम दीजिए। इसे रैंडम से ऐसे ही करा लेते हैं इसी शेप में। ध्यान रखिए पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। रैंडम फ्लावर्स बना रहे हैं तो आप कोई भी रैंडम सा शेप ले लीजिए, बनाइए। और इसके बाद परेशान मत होइए कि अभी फ्लावर्स दिख नहीं रहा है क्योंकि हाइलाइट्स हम बाद में देंगे। फिर लीजिए पिंक कलर, इसे भी देखिए ऐसे चला कि हल्का हल्का चल रहा है। और बस इसे भी ऐसे रैंडम भी कर दीजिए। पर्पल लीजिए, चला के देखिए इसके वजह से छोटे 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 फ्लावर्स बना दीजिए रैंडम से। सब रखिए, डिटेल्स हम बाद में ऐड करेंगे। पीला रंग दीजिए, छोटे छोटे ऐसे फ्लावर बना दीजिए। पत्तियां टहनियां भी तोड़ानी है, उसके बाद रंग लेना होगा। रंग को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए आप उसमें काला भी मिला सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा।
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसे कुछ आर्टवर्क्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाके मैसेज कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।